अहिंसा करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज प्रवचन का सिस्टम उलट कैसे गया। ये हमारी अपनी एक व्यवस्था है और व्यवस्था खास तौर पर भगवान महावीर की अंतिम देशना उत्तर धन सूत्र की जो आज यहाँ पर वाचना प्रारंभ होगी उसकी वजह से कुछ हमने सिस्टम बनाया है। कुछ हमारे ललित जी का भी सुझाव था और वो अच्छे के लिए था, उस पर मनन चिंतन करके हमने फैसला लिया। प्रारंभ में जो श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र जो आजकल में पूरा होने वाला है वो भी चलेगा और आज खास तौर पर हमारे सर्वधर्म दिवाकर वाणी भूषण, हमारे श्री ऋषि मुनि रमणीक मुनि जी महाराज, उनका 54वां जन्मदिन है, उसके बारे में कुछ देर बोलना है। तो पहले मैं चारित्र के बारे में अपनी बात कहूंगा, आप सब सुनेंगे और उसके पश्चात 9:30 बजे के आसपास उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ होगी। आप उसका लाभ लेंगे और आप अपने नेटवर्क एरिया में बने रहें और पूरा लाभ लेने का आप भाव रखेंगे। श्रीपाल मैनासुंदरी का चरित्र तो आप सुनी रहे हैं। नवपदोली का समापन परसों 9वां दिन था, कल पारने का कार्यक्रम यहाँ पर भी हुआ और भी पूरे देश भर में पारनों के कार्यक्रम हुए होंगे। इस चरित्र में आप लोगों ने जो अभी तक सुना है, आप लोगों ने ये सुना है कि श्रीपाल का अपनी माँ से, अपनी पत्नी प्रथम पत्नी मैनासुंदरी से, पूरे परिवार से जो है मिलन हो गया, सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सब बिछड़े बिछड़े से थे, कुछ परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल नॉर्मल होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आगे क्या होता है इस कथानक के अंदर कि कर्मों की विडंबना की कुछ चर्चा प्रारंभ हो जाती है। राजा पद्मपाल की दोनों रानियां सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी, यानी मैना सुंदरी की माँ और उनकी सोत कहो, जिठानी कहो, जो भी कहो, तो उस राजा पद्मपाल की दोनों पत्नियां रूप सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी, उन्होंने श्रीपाल को जो एक नए सुंदर बढ़िया और वैभवशाली रूप में देखा तो दोनों महिलाएं बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। इधर पूरे राजमहल में एक उत्सव का वातावरण, सुंदर वातावरण बना हुआ है और श्रीपाल को शादी में उपहार के रूप में उसकी ससुराल की ओर से एक नाटक मंडली मिली थी। तो जो नट मंडली नाटक मंडली होती है मनोरंजन के लिए होती थी, किसी जमाने में ऐसा देते थे। और किसी क्या बहुत पुरानी बातें नहीं है, मुश्किल से 60, 70, 80 साल पहले तक बड़े बड़े संपन्न लोग अपनी बेटियों के दहेज में दासी देते थे। किस लिए? किसके पर्सनल कार्यों में सहयोगी बने। हमारी बेटी सुकुमाल है, इसको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो आप आज की भाषा में नौकरानी कह लो। तब दासियां देते थे जो उनके सुबह शाम के बहुत सारे छोटे बड़े काम निपटाती थी। तो जमाने का ट्रेंड था, तरीका था और आज तरीके थोड़े से दूसरा रूप ले गए, मनोरंजन के नवीनतम अच्छे अच्छे साधन आ गए हैं। तो इस प्रकार नाटक मंडली उसको जो है दहेज में मिली थी। तो हुआ क्या, श्रीपाल ने सोचा मैं भी यात्रा से थक कर के आया हूं, हम सब परिवार वालों का मिलना जुलना हुआ है। आज भी जब परिवार वाले मिलते इकट्ठे होते हैं तो सब कहते हैं चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं भाई मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में चलते हैं और वहां सिनेमा कोई अच्छी पिक्चर देख करके आएंगे। तो ये आज के तरीके हैं। तो जमाने में किसी ने नाटक देख लिया तो लोग बड़े खुश होते थे। ये नाटक मंडली कठपुतली के खेल 40-50 साल तक आम थे, लेकिन अब उनके स्वरूपों ने आधुनिक रूप जो है वो ले लिया है।
तो श्रीपाल ने नटमंडली को आदेश दिया कि सारे परिवार जन इकट्ठे हैं, तुम एक अच्छा सा नाटक दिखाओ। नाटक दिखाने के लिए सभी पात्र जो उसके सदस्य थे खड़े हो गए, लेकिन एक सदस्य खड़ी नहीं हुई जो महिला थी, मूल नायिका थी। अब किसी नाटक में, पिक्चर में मूल नायिका ही गायब हो जाए तो सारे नाटक का टेस्ट खराब हो जाता है। तो मूल नायिका खड़े होने से इनकार करते, खड़ी नहीं होती, लेकिन जो उसको बहुत फोर्स किया, आग्रह किया, क्यों नहीं खड़ी होती, खड़ा होना चाहिए, आपको कुछ बोलना दिखाना चाहिए, वो झिझकते हुए, लजाते हुए, संकोचित होते हुए खड़ी तो हुई, लेकिन कर्तव्य कुछ नहीं दिखाया। उसने दो लाइनें बोली, उन दो लाइनों ने सारा परिदृश्य जो है बदल दिया। उसने दो लाइनें बोली, कहां मालव कहां शंखपुर, कहां मालव कहां शंखपुर, कहां बब्बर कहां नट, कहां मालव कहां शंखपुर, कहां बब्बर कहां नट, सुर सुंदरी नटनी बनी, सुर सुंदरी नटनी बनी, किया देहे अनघट। वो कहते हैं कहां मालवा प्रांत, मालवा प्रांत बोलते हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर, उज्जैन, रतलाम आदि के आसपास का एरिया, ये सारा मालवा प्रांत कहलाता है, मालव प्रदेश कह लो। तो जमाने में वो मालवा में कहती है कि कहां मालव कहां शंखपुर, कि मेरी शादी करके शंखपुर भेजा, कहां बब्बर कहां नट, कहां बब्बर नाम का देश, कहां मैं नटनी बनी, सुर सुंदरी नटनी बनी, किया देहे अनघट। इस शरीर ने वो किया जिसकी कभी करने की कल्पना भी दिमाग में मेरे नहीं थी, लेकिन कर्मों के वशीभूत मुझे नटनी बनना पड़ा और इस शरीर से वो करना पड़ा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर थी। इन दो लाइनों को सुन के श्रीपाल, मैना, मैना की दोनों माँ सब सुन के चौंक गए कि ये क्या बोल दिया, और तुरंत जो है परिवारजन वहां तो थे ही, और वो सुन सुंदरी से लिपट गए, गले लगा लिया कि हाय ये क्या। सुर सुंदरी भी आंखों में आंसू लाके रोती है, परिवार वाले भी अपनी बेटी की दुर्गति देख करके बड़े इमोशनल, भावुक हो गए, दुखी हो गए। तो परिवार वालों ने जब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई, कहा कि ये बता, तू यहां नटों के साथ घूम रही है, हमने तो तेरी शादी करी थी, तेरा पति कहाँ गया, तेरा धन कहाँ गया, तेरे वैभव कहाँ गए, ये सब कहाँ गया। तो सुर सुंदरी अपना कथन बतलाती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो कहती कि शादी के तुरंत बाद में विवाह होकर के शंखपुर पहुंच गई, लेकिन वहां की प्रथा ऐसी है कि शुभ मुहूर्त ना हो तो घर में, नगर में प्रवेश नहीं करवाते। तो मेरे को और मेरे पति को नगर के बाहर जो है छोड़ रखा था कि नगर के बाहर रहो, जब शुभ मुहूर्त आएगा तो तुम्हें नगर प्रवेश करवा लेंगे। तो मैं नगर प्रवेश में अपने पति के साथ थी, अधिकांश सैनिक नगर में अपने कामों के लिए आ गए, दो चार सैनिक हमारी सुरक्षा में रह गए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि चोरों के एक दल ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, चोरों के दल ने हमला कर दिया, डर करके मेरे पति तो भाग गए, आज तक नहीं पता कहाँ है। मेरे पति भाग गए और चोरों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके अपने साथ ले गए, और कुछ ही समय के बाद एक सार्थवाहा व्यापारी को उन्होंने मुझे बेच दिया, मुझे सार्थवा व्यापारी को सौंप दिया, बेच दिया। और सार्थवा तो व्यापारी था, वो तो पैसे का यार था, उसे पैसा प्रिय था, तो वो भी जगह जगह व्यापार के लिए जाता था, अनेक नगरों में जाता था। तो सार्थवाहा व्यापारी घूमते घूमते बब्बर नाम के देश में आया और वहां उसने मेरे को एक वेश्या के हाथ में बेच दिया। उस वेश्या ने मुझे लेने के बाद मुझे नट, नटनी का कर्तव्य, नृत्य कला, यानी नटों वाली जो कला है वो सारी मुझे सिखाई और सिखवाई,
और मेरी कला जब विकसित हो गई तो समय आने पर मेरी कला के कारण महाकाल नाम के राजा को उन्होंने मुझे बेच दिया। महाकाल नाम के राजा ने मेरे को खरीद लिया और फिर धीरे धीरे ये स्थितियां बदलती रही। और मदन सेना का जब विवाह श्रीपाल के साथ हुआ तो उस राजा ने मेरे समेत सारी नाटक मंडली को मेरे विवाह हेतु जो है दहेज में इनको दे दिया। और इस प्रकार में इनके साथ 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 चुपके से दबी दबी सी सहमी सहमी सी मैंने इनके साथ लंबा समय बिताया। बीच में कोई नाटक कर्तव्य दिखाने का काम भी नहीं पड़ा और ये समय ऐसे के ऐसे निकलता चला गया। लेकिन आज संयोग कुछ ऐसा बैठा, आज मैं अपने संपूर्ण परिवार जनों के बीच में हूं और मुझे नहीं मालूम था कि आज मुझे नाटक दिखाने का कर्तव्य दिखाने का आदेश हो जाएगा। लेकिन आदेश होते शर्म के मारे लज्जा के मारे कि आज मेरी दशा क्या है, मैं कैसे अपने परिवार जनों को अपना मुंह दिखाऊं, इस संकोच के मारे में खड़ा नहीं होना चाहती थी, सबके सामने आना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं तो आदेश में बंधी हुई, मेरा काम ही कुछ ऐसा है और मैं इस आदेश के पालन के तहत खड़ी हो गई, आप सबके बीच हूं। इतना कह के शर्म और लज्जा के मारे गर्दन नीची कर ली, संकोच कर रही है, मन में बड़ा गलानी महसूस कर रही है। और सुरसुंदरी मैना को देख करके, यानी अपनी ही बहन सुरसुंदरी मैना सुंदरी, आपको प्रारंभ में बताया दोनों बहनें हैं, तो सुरसुंदरी मैना को कहती है कि मैना को कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म मिला, मैना को कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म मिला और मैं बचपन में ही प्रारंभ से मिथ्यात्व और अहंकार से भरी रही, मिथ्यात्व अहंकार में भरी रही और इन्होंने सम्यक्त्व का अमृत पान किया और इस तरह से मेरी स्थिति ऐसी बन गई। लेकिन आज मैं संकल्प करती हूं कि सम्यक्त्व अमृत के समान है, मैं भी आज के बाद अच्छे मार्ग पर चलूंगी और अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगी। इतना सुनने के बाद परिवार वालों ने उसको अपनी बेटी के रूप में ही स्वीकार करा, पूरा आदर मान किया, उसकी पूरी सुविधाओं का इंतजाम कर दिया कि जो पीछे हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। तो श्रीपाल ने देखा कि मेरा साधु यानी कि सुरसुंदरी का पति गुमशुदा है, कहाँ है पता नहीं। श्रीपाल ने अपने सेवकों को सिपाहियों को आदेश दिया, दूर दूर प्रांतों में फैल जाओ और जहां कहीं भी मेरा साधु अरिदमन मिले उसे लेकर के आओ। खोज करवाई, उसको लेकर के आते हैं, पुनः एक बार नए सिरे से उन दोनों की जिंदगी प्रारंभ करवाते हैं और श्रीपाल को फिर दोबारा खूब अच्छा पैसा धन दौलत दे करके विदा करते हैं। जहां के मूल निवासी हैं उस नगर में सहसम्मान उनको भेज देते हैं। कथानक का बस अंतिम दौर चल रहा है और कल ये कथानक पूरा हो जाएगा, तो आप इस कथानक को कल भी सुनने का भाव रखेंगे।